नमस्कार, मैं भरत साधु रामदल चैनल में आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। रामदल चैनल जन जन में, घर घर में वैदिक धर्म जागृत हो, जन जन में, घर घर में सनातन की मूल धारा जागृत हो, सनातन सत्य जो अनादि है, जो शाश्वत है, जो वैदिक है, यह धर्म हर घर में, हर जन में जागृत हो, यह प्रयास कर रहा है। आने वाली 22 जनवरी को हमारे आराध्य अखिल ब्रह्मांड अधिपति प्रभु श्री राम अपने निज मंदिर में स्थापित होने जा रहे हैं। समग्र जगत सिया राममय हो चुका है। जन जन में, घर घर में उत्साह है। हर घर अवध बनने जा रहा है, हर गांव अवध बनने जा रहा है। तब आज हम बात करेंगे सनातन धर्म एवं सनातन धर्म के रक्षण हेतु जिन आचार्यों ने कार्य किया, जिन मूलतः संप्रदायों ने कार्य किया, उनको इग्नोर किया जा रहा है। हमारे श्री संप्रदाय राम सीता हनुमान ब्रह्मा वशिष्ठ पराशर वेदव्यास सुखदेव पुरुषोत्तम बोधायना गंगाधरा सदाचार्य रामेश्वरा द्वारानंद देवानंद श्यामानंद सुतानंद पूज्योत्तम चिदानंद पूर्णानंद श्रीयानंद हरियानंद राघवानंद रामानंद भाष्य करोत्तम एन पूर्णेन आचार्य सप्रेम प्रणाम जिन्हें रोपियो श्री संप्रदाय कल्पद्रुम। श्री संप्रदाय ने प्रभु श्री राम जी का भक्ति आंदोलन अनादि से जन जन में स्थापित किया। यही श्री संप्रदाय की हमारी जो मुख्यतः पीठ है, वर्तमान में श्री पंचगंगा घाट जगतगुरु राम नरेश आचार्य जी वहां स्थापित है। अगर आप रामानंद संप्रदाय की बात करते हो, रामानंदीय परंपरा की बात करते हो, अवध में प्रभु राम लल्ला रामानंदीय परंपरा से स्थापित होने जा रहे हैं, तो आप रामानंदीय परंपरा को इग्नोर क्यों कर रहे हो? और ये जो लोग, जो कुछ संगठन सनातन धर्म को अपने बाप की बपोती बनाकर बैठे हैं, वो खास सुने। ये सनातन धर्म है, ये शाश्वत धर्म है, ये आपके बाप की बपोती नहीं है। सनातन धर्म में धर्मसत्ता का महत्व है। राजसत्ता वहां झुकती है। जब जब कोई भी कार्य हो, धर्म कार्य हो, तब राजसत्ता धर्मसत्ता का मत लेती है, उनसे सलाह मशवरा करती है। आप तो सनातन धर्म के नींव में पड़े हुए वैष्णवाचार्यों एवं शंकराचार्यों का छेद उड़ाकर अपनी मर्जी के मुताबिक जो कार्य कर रहे हैं वो गलत है। कार्य एकदम सुंदर भव्य होने जा रहा है। पूरा भारतवर्ष नहीं, समग्र जगत यह मूलतः सनातन धर्म से जुड़ रहा है। आपकी प्राथमिक फर्ज है कि हमारे सनातन धर्म में जो मूलतः परंपरा है उनको साथ लेकर चलना चाहिए। जो लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं, सनातन धर्म को अपने बाप की बपोती बनाकर बैठे हुए हैं, वो मूलतः परंपराओं को इग्नोर करते हुए कपोल कल्पित पंथ, पाखंडी धर्मगुरुओं को, पाखंडी पंथों को वहां न्योता दे रहे हैं, और सनातन के मूल में पड़े हुए आचार्यों को न्योता भी नहीं दिया जा रहा है। ये गलत हो रहा है। और हम यहां कोई विरोधाभास खड़े करने के लिए बात नहीं कर रहे हैं। हम भी राम भक्त हैं। जन जन में राम भक्ति का प्रसार प्रसार हो, हमारी सनातन संस्कृति का, हमारे सनातन धर्म का पूरे जगत में व्यापकता के साथ प्रसार प्रसार हो,
यही हमारा कार्य है, यही हमारा उद्देश्य है। पर धर्म को राजनीति के साथ जोड़कर इसका राजनीतिकरण जो किया जा रहा है वो गलत है। कुछ लोग सनातन धर्म को अपने बाप की बपूती बनाकर बैठे हुए हैं, सर्वे सर्वा बनकर बैठे हुए हैं। ऐसे सनातनी जो सनातनी परंपरा को मिटाने के लिए कपोल कल्पित पंथ तथा कथित पंथ चला रहे, ऐसे पाखंडी पंथ का समर्थन कर रहे, लेकिन जो सत्य राह दिखा रहे, सनातन राह दिखा रहे, ऐसे संप्रदायों को लेकर नहीं चल रहे।